ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, तो लिख लें, टॉपिक का नाम है ग्रोथ, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, ठीक है। इसके अंदर ये फिगर बना लें, ये रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है आर एल, ये बैटरी और ये स्विच बना लें, ये स्विच है और ये बैटरी है ऐसे, ठीक है। हमने आर एल सर्किट किया, पर हमने एसी के साथ किया, ये मैंने क्या लगा दिया, डीसी, डीसी बैटरी। जब मैंने ये बोला कि मैंने डीसी बैटरी लगाई, तो एक स्टूडेंट ने कहा सर फिर तो बढ़िया है। मैंने कहा क्यों, कहता इंडक्टर का रोल ही नहीं है। जब आप डीसी लगाते हो तो इंडक्टर का तो रोल ही नहीं है, एक्सेल तो होगा ही नहीं, बात ही खत्म। नहीं, वो तब रोल नहीं है जब इंडक्टर में करंट कांस्टेंट जा रहा है, स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब कांस्टेंट करंट है, तो इंडक्टर का कोई झगड़ा नहीं किसी के साथ, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, इंडक्टर को हल लगाओ ना लगाओ फर्क ना पड़ता। अब क्या हुआ, बैटरी का स्विच मैं ऑन करने जा रहा हूँ, जैसे ही ऑन करूंगा, मान लो बैटरी ने 5 एम्पियर करंट देना है, वो एकदम 5 देगी नहीं, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 देगी। जब आप स्विच ऑन करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब इंडक्टर को ये बात पता लग गई कि इसमें करंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है, तो इंडक्टर ने झगड़ा शुरू कर दिया, इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर दी, और क्या बोला कि मैं करंट को बढ़ने नहीं दूंगा। तो अपनी तरफ से तुमने बैटरी के थ्रू करंट भेजा 2 एम्पियर, पर इंडक्टर ने उसको रिड्यूस करके हो सकता है 1.5 एम्पियर कर दिया हो। अपनी तरफ से तुम 4 एम्पियर भेज रहे हो, बढ़ा के 2 से 4 एम्पियर, पर इंडक्टर क्या करेगा, उसे रिड्यूस करता जाएगा, कम करता जाएगा, तो तुम्हें तो पता ही लगा कितना करंट है। हाँ, जब तुम्हारा करंट 5 एम्पियर हो गया स्टेडी, हाँ फिर सही है, स्टेडी करंट में तो 5 एम्पियर होता जाएगा, क्योंकि इंडक्टर उसको अब रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन जब आपने स्विच ऑन करना है, तब तो आपको अपोजिशन मिलेगी, तो आपको किसी भी इंस्टेंट पर क्या करंट होगा जब आपने स्विच ऑन किया, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके लिए जब आप स्विच ऑन करते हैं, तो इसके अंदर नॉर्मली किरचॉफ लॉ ही लगता है, जो ईएमएफ है वो इसके इक्वल बन जाती है, जो आपकी बैटरी की ईएमएफ है वो दोनों में डिवाइड हो जाती है, आईआर और इसके इक्वल। इसमें ना मैथ्स वाले लोग मैथ्स लगाते हैं, जिसमें ई माइनस आईआर एक तरफ करते हैं और एल डीआई बाय डीटी एक तरफ करते हैं, और यहाँ से ई माइनस आईआर बाय एल करके डीआई बाय डीटी करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी आई को एक तरफ, और इसके नीचे ले आते हैं ई माइनस आई आर और 1/L dt एक तरफ, फिर इसे इंटीग्रेट करते हैं। मैथ्स वाले लोगों को पता है, मेडिकल वालों को कुछ नोट करने की जरूरत भी नहीं है, और आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, फाइनल आंसर नोट करो, फाइनल आंसर आता है आई नॉट 1 - e^(-t/tau, टी अपॉन टाओ, ये करंट नोट करें, वेयर टाओ इज नोन एज अ टाइम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इज आर बाय एल, और इसके यूनिट क्या होते हैं, सेकंड्स, इसके यूनिट सेकंड्स हैं। सीधा फॉर्मूला करेंगे, कोई इंटीग्रेशन सिलेबस में है ही नहीं, सीधा इसकी एप्लीकेशन है। नॉन मेडिकल में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, कि इंस्टेंटेनियस करंट है, और करंट जब बढ़ता है स्विच ऑन करने के बाद तो ऐसे बढ़ता है। मेडिकल में चांस कम है, मेडिकल में शायद ना भी आए ये क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एंड लॉग्स अवॉइड करते हैं ना, इसलिए वहाँ टाइम कांस्टेंट पे आ सकता है, एल बाई आर टाइम कांस्टेंट याद कर लें। तो इसको इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे नहीं, मतलब जरूरत नहीं ऐसी करें, मैंने बुकलेट में क्यों ही है, वैसे रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है, चाहिए ही नहीं। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है, अगर आज के बाद बैटरी ऑन करते ही इंडक्टर में करंट बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है यहाँ तक? दिखाना, ठीक है। तो ये शीट में किया हुआ है, चलो जरूरत नहीं है एक सेकंड इसकी। एक चीज़ इसमें नोट कर लेते हैं, इसमें जब करंट की वैल्यू, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर सब टॉपिक डाल लेना, ये जो टॉपिक मैंने लिखा ये बेसिकली ग्रोथ ऑफ करंट है, अभी पहला केस है ग्रोथ ऑफ करंट, क्योंकि मैंने बैटरी ऑन की तो करंट क्या हो रहा है, इसमें ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ग्रोथ ऑफ करंट में फॉर्मूला है। इसके अंदर टाइम के साथ करंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, अगर ये मैक्सिमम करंट है आई नॉट,
तो आपका ग्रोथ ऐसे होता है एक्सपोनेंशियली। ये मैथ वाले लोगों को समझ में आता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनते हैं, बाकी मेडिकल वाले याद करेंगे, एक्सपोनेंशियली ये ग्राफ बनता है बहुत समय के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट क्या हो जाता है मैक्सिमम, तो उसका ग्राफ ये बनेगा। ठीक, ये आप नोट कर लें। फिर आप ये नोट कर लें कि जब आप करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं किस पे, एक टाइम कांस्टेंट पे, यानी कि स्मॉल टी को क्या पुट करेंगे, टाउ, यानी कि एट टाइम टी इज इक्वल टू टाउ, आप चेक करना चाहते हैं टाइम कांस्टेंट पे करंट कितना होगा। टाइम कांस्टेंट पे करंट है 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट में टाइम कांस्टेंट वो समय है जब सर्किट में करंट कितना हो जाता है 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट। ये फैक्ट याद कर लें, मतलब इसको यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, टाउ से टाउ कैंसिल करके आपके पास ये आंसर आएगा, इसका मतलब ये है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम करने हैं हमने। तो थ्योरी क्लियर है, ग्रोथ ऑफ करंट में जब स्विच ऑन करेंगे तो ये करंट का फॉर्मूला लगेगा जब आप स्विच ऑन करते हैं, जब स्विचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तब। हाँ, अगर स्विचिंग नहीं है, स्टडी स्टेट है, फिर कोई चक्कर नहीं, फिर इंडक्टर को हटा दो, चाहिए ही नहीं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है डीके ऑफ करंट, लिखो ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। जब डीके का मतलब, जब आप बैटरी उठा के फेंक दी, आपने बैटरी उठा के फेंक दी, अब आप चाहते हैं करंट 5 एम्पियर से जीरो हो जाए, इंडक्टर वो भी नहीं चाहता, इंडक्टर कहते ऐसे कैसे जीरो कर लोगे, मैं करंट पैदा कर दूंगा, तो अब तुम्हें नहीं पता लगेगा तुम्हारा कितना करंट है। तो डीके ऑफ करंट में लिखें करंट का फॉर्मूला आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें। तो जब डीके ऑफ करंट होगा, बैटरी हटाई जाएगी तो ये फॉर्मूला, और अगर ऑन की जाएगी तो पहले वाला फॉर्मूला। और डीके ऑफ करंट में करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, या आई नॉट टाइम है, तो ये डीके है, ये ग्राफ अगर आ जाए मार्क करने को तो ये करना है। एंड एट टाइम कॉन्स्टेंट टाउ करंट की वैल्यू जो होती है डीके ऑफ करंट में 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट होती है, ये नोट कर लें। तो इसकी जो वैल्यू है वो 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट है, ये नोट कर लें बस।